हे गाइस वेलकम बैक टू टेक टीआरवी। दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एलईडी वीडियो लाइट के बारे में जो कि बहुत ही यूजफुल है हर एक यूट्यूबर्स के लिए। तो देखना इस वीडियो को पूरा और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना और आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रो सीरीज के वीडियो एलईडी लाइट के बारे में। पर इसे अनबॉक्स करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी कैनन 200D से और इसे मैंने ऑटो मोड पे एक्सपोजर पे रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसे रखते हैं साइड में और मैं आपको ना बताता हूँ कि मेरे घर में फिलहाल इस रूम के अंदर कितने लाइट्स चालू है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यहाँ पे टोटल 8 लाइट्स चालू है मेरे घर में और मैं इस कॉर्नर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आप देखोगे इस बैकग्राउंड में भी काफ़ी अंधेरा है। सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे घर पे फिलहाल 7 या 8 लाइट्स चालू है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे को ये लेने का रीज़न ये था कि जो मेरे फेस पे एक्सपोजर वो प्रॉपरली नहीं आता है, इसे मैं कैमरे के ऊपर माउंट करूँगा। पर उसके पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स और इसके लाइट्स की क्वांटिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितने इसे कम कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है पावर पैक के तरफ से प्रो सीरीज का वीडियो एलईडी लाइट जो कि काफ़ी यूजफुल है यूट्यूबर्स वीडियो और फोटो शूटर्स के लिए। हालांकि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये मैंने परचेस किया अमेजोन से, वो भी 2400 में। इसकी जो MRP है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है 2800 से 2600 के बीच में। सो आप लोग वेट करते हुए देखते रहना और इसे परचेस कर लेना अमेजोन से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉक्स की पैकिंग देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त किया हुआ है और यहाँ पे आप बैक साइड में देखें तो इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिया हुआ है जो आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ये सारी चीज़ें आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट करते बॉक्स को ओपन। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल गाइडलाइंस। बॉक्स के अंदर हमें 3 एडिशनल बैटरी बैकअप के लिए एडेप्टर मिलता है जो कि है LPE6D16 और ENEL15। और इसी के साथ हमें बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है शू माउंट जो कि मूवेबल है और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा मेटल है और काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी दिख रही है। इसी के साथ आपको और एक मिलता है शू माउंट प्लास्टिक में और साथ में आपको मिलता है 2 फिल्टर्स, एक वर्म लाइट और एक कोल्ड लाइट के लिए। सो आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हो आपके वीडियो के हिसाब से। रखते दोनों फिल्टर्स को साइड में और बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की जो कि है पावर पैक के तरफ से LED 260A LED लाइट्स जो कि काफ़ी यूजफुल है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम आपको लाइट प्रॉपर देने के लिए, वर्म हो या कूल हो। 260A इसके लिए क्योंकि इसके अंदर आपको 260 बल्ब्स मिल जाते हैं, LED बल्ब्स मिल जाते हैं और इससे काफ़ी अच्छे से आप कलर टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हो और यहाँ पे साथ ही में आप इसके ब्राइटनेस को काफ़ी कम ज़्यादा कर सकते हो 32,000K से लेके 35,000K तक। अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यार दोस्तों फ्रंट में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 260 LED लाइट्स मिलते हैं, साथ ही में साइड में पूरे ग्रिल मिलते हैं और यहाँ पे शू माउंट करने के लिए स्पेस मिलते हैं चारों साइड में। और ये जो ग्रिल दिया हुआ है वो इसके लिए दिया कि जो अंदर इसके अंदर फैन लगा हुआ है इसे हीट होने से काफ़ी रोक सके। अगर इस पावर पैक LED के बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे एक डायलर दिया हुआ है जिससे आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक उसी के ऊपर आपको एक बैटरी इंडिकेटर मिलेगी जिसके अंदर आपको 1.5A का जो बैटरी आता है वो आप डाल के इसे ऑन करके यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर कितनी पावर है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे 9 वोल्ट से आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ 6 से 8 बैटरीज लगेगी इसके अंदर और तब जाके ये चालू होगा। और गाइज मैंने 8 बैटरी लेकर आया हूँ तो हम लोग धीरे धीरे उसे भी डाल देंगे। तो फिलहाल अगर आप फ्रंट में देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सॉफ्ट फिल्टर जो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फिल्टर है उसे लगा के देखते हैं और जैसे कि काफ़ी ईजी है लगाना और ये गिरता भी नहीं है। और इसी तरह अगर हम लोग वर्म वाला लगा के देखें तो जैसे कि वर्म वाले में भी काफ़ी ईजीली फिट हो जाता है। तो इसी तरह काफ़ी अच्छे तरीके से इसे प्रोडक्ट को मेंटेन किया हुआ है, बनाया हुआ है कि ताकि हम सारे यूट्यूबर्स इसे यूज़ करें। अब चलिए हम लोग क्या करते, बैक के पैनल को ओपन करते कुछ इस तरीके से और उसके अंदर सारे के सारे बैटरीज डाल देते हैं LL वाले। सो मैंने सारी बैटरीज लगा दिया हूँ जैसे कि आप लोग ने देखा और इसे बंद कर देते हैं।
और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये जो है बैटरी, एडिशनल बैटरी लगाने के लिए वो कैसे लगाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। और जो एडिशनल बैटरी है उसे आपको परचेस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी उसे लगाना पड़ेगा। ये एक हिसाब से अडेप्टर है जो इस पावर बैंक को पावर देगा बैटरी के हिसाब से, और उसी बैटरी को आप इस 9 वोल्ट के चार्जर से के सप्लाई से चार्ज कर सकते हो। तो ये बैटरी अलग तरीके से आपको परचेस करना पड़ेगा, बस इसका जो अडेप्टर है वो हमें इसके साथ में मिलता है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि शू माउंट कैसे लगाया जाता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये आप लोग को काफ़ी पता रहेगा। बट तो जो एंगल में जो सरफेस पे आपको लाइट मारनी है, जो प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, वो आप इसे एडजस्ट करके कर सकते हो। चलिए अभी चालू करके देखते हैं। तो इस डायलर को पहले रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट करते देखे कि आप देख सकते हो कि लाइट चालू हो गई और ये काफ़ी टॉप पे लेके गया था 70,000 के लेवल पे, और उसके बाद अभी जो ये लेवल दिख रहा है वो एकदम कम लेवल है 35,000 के ऊपर। ओके, तो ब्राइटनेस काफ़ी कम रखा है मैंने अभी, और फिर भी आप देख रहे हो काफ़ी उजाला आया है आपके कैमरे पे। और अभी हम लोग इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फिल्टर लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और अब हम क्या करेंगे, बैटरी लेवल जैसे कि आप देख रहे हो, इसको अगर प्रेस करोगे साइड में बटन को तो आपकी बैटरी पूरी की पूरी फुल है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बैटरी का लेवल क्या है। तो मैंने यहाँ पर अभी चालू कर दिया और आप ब्राइटनेस देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। देखो, ये कम और ये ज़्यादा, ये ज़्यादा और ये कम। तो अब मैंने लगाया है सॉफ्ट फिल्टर, वो भी वर्म वाला। सो वर्म में अब हम लोग लाइट ऑन करके देखते हैं कि कैसे कलर्स आते हैं, कैसे इफेक्ट्स आते हैं अंधेरा में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंधेरे में काफ़ी अलग वर्म टाइप का इफेक्ट्स आ रहा है इस पावर पैक के LED लाइट से, और अगर मैं उसे निकाल देता हूँ काफ़ी डिफरेंट लाइट आ जाता है। सो ये कुछ कंपैरिजन मैंने किया। तो चलो इसे सेटअप करते हैं कैमरे के ऊपर और देखते हैं कि इसका जो लाइट, इसका जो ब्राइटनेस है, चाहे वो वर्म हो या फिर वो कूल हो, तो कैसे ब्राइटनेस आता है इस वीडियो शूटिंग करने के टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सेटअप हो गया रेडी। कैमरे के ऊपर लाइट है और लाइट के ऊपर मेरा माइक है जिसके अंदर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। सो ये हो गया मेरा सेटअप रेडी। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा इसके वीडियो शूट को। यहाँ से मैं इसे रोटेट करता हूँ कि ताकि यहाँ पे लाइट आए, तो डायरेक्ट लाइट आएगी मेरे ऊपर। लोग देख सकते हो वीडियो में कि काफ़ी लाइट आ रही है, जिसकी वजह से मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कैमरे के अंदर। बहुत ही ज़्यादा लाइट आ चुकी है मेरे इस कैमरे के अंदर, और जो बाकी के लाइट है वो भी चालू है अभी। तो मैं इसे काम करता हूँ, इसे मैं डिम करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये लगभग मैं आप में छुप भी नहीं रही है और मेरे फेस पर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल है जिसके ऊपर मैंने अभी तक कुछ भी लगाया नहीं है, मतलब फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ़िल्टर लग चुका है और इसकी ब्राइटनेस अभी भी मैंने बहुत ही लो की है। अभी जैसे ही इसे फुल करता हूँ, मतलब आप एक चीज़ देख सकते हो कि मेरे फेस पे जो ब्राइटनेस है जो अभी तक नहीं था विदाउट लाइट के, अभी मैंने लाइट बंद कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे फेस पे लाइट है वो ज़्यादा इतना नहीं है जितना अपने चाहिए, जिसे ब्राइटनेस हो आपको पूरा पिक्चर समझ में आए। और अभी मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे काफ़ी लाइट है, और मैं बहुत ही दिन पे रखा हूँ बट एक्चुअल में लाइट बहुत ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लाइट बंद करूँगा मेरे घर के जो पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी काफ़ी लाइट आ रहा है मेरे फेस पे, लेकिन शायद मैं इसके पास बैठा हूँ इसके वजह से। बट यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ा बहुत ब्लैकनेस है, तो वो लाइट जब यहाँ की चालू होगी तो वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फिल्टर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल्टर चेंज कर दिया जो वर्म कलर है। तो जैसे अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्लियरली, बट यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया है वैसे ही इस कैमरे से मेरे ऊपर जो कलर है वो काफ़ी अलग आ रहा है, बहुत ही डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अभी मैं घर का जो लाइट से अभी भी 4 बल्ब चालू है मेरे घर पर। यहाँ पर मैंने जो साइड वाला बल्ब था वो चालू किया फ़िलहाल, एक ये बल्ब चालू है ये, और यहाँ का ऊपर का 2 बल्ब चालू है वहाँ का और एक यहाँ का, मतलब टोटल अभी भी 1, 2, 3, 4, 5 और एक मेरे सामने 6, मतलब 8 बल्ब की जगह पे अभी मेरे यहाँ पे 6 बल्ब चालू है, जो कि एक पावर बैंक वाला बल्ब है जो इस कैमरे को अटैच है। सो ये है डिफरेंस इस कैमरे के लाइट का। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यहाँ पे जो ये LED लाइट है जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही यूज़फुल है यूट्यूबर के लिए, कोई भी एक प्रोडक्ट रिव्यू करना हो या फिर किसी की अनबॉक्सिंग करनी हो या फिर एक
वीडियो बना रहा हो या फेस पे एक लुक आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, जिसके वजह से व्यूवर्स भी बहुत बढ़ते हैं और जिसके वजह से व्यूवर्स का मन भी रहता है वीडियो को देखने का। तो इसी बात पे करना इस वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को।